डायमेंशंस का नेक्स्ट यूज है क्या है? फाइंडिंग डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी उसकी डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? इन अ वैलिड इक्वेशन, आपको पहले कह दिया गया कि जो इक्वेशन दी जा रही है ये वैलिड इक्वेशन है। इन अ वैलिड इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी टू द पावर माइनस टू, ये आपको दे रखा है एक वैलिड इक्वेशन, प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स इज इन मीटर, टी इज इन सेकेंड, एक्स मीटर में है टी सेकेंड में है, ठीक है? तो क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, बल्कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, माइनस डी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की डायमेंशंस आपको चाहिए इस इक्वेशन में, ए बी सी और डी की डायमेंशंस आपको चाहिए, जबकि एक्स आपको कहा है मीटर में है और टी 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 किसमें है, टी इज इन सेकेंड। तो सीधी सी बात है, डायमेंशन ऑफ एक्स हो गया डायमेंशन ऑफ एक्स कितना हो गया एल, क्योंकि मीटर में है। डायमेंशन ऑफ टी कितना हो गया टी, क्योंकि ये सेकंड में है, सेकंड में तो मतलब टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल डी। अब ए बी सी डी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी वैलिड इक्वेशन में जितने भी पार्ट है सबकी डायमेंशन एक जैसी होनी है, जो डायमेंशन एक्स की है वो डायमेंशन ए टी है, डायमेंशन है ना। तो हम क्या कहेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के हिसाब से डायमेंशंस ऑफ एक्स इक्वल्स व्हाट, डायमेंशंस ऑफ ए टी, जो डायमेंशंस एक्स की हैं वो डायमेंशन ए टी की है, अकेले ए की नहीं, अकेले टी की नहीं। अब इसकी डायमेंशंस कितना है, एम जीरो एल टी जीरो, और ए टी की डायमेंशन कितनी, ए का तो हमें पता ही नहीं, इसकी डायमेंशन कितना है, सॉरी ए की तो हमें पता ही नहीं, और टाइम की डायमेंशन कितनी है टी। तो डायमेंशन ऑफ ए कितना हो गया बोलिए, एम जीरो एल टी जीरो और अपॉन में व्हाट टी। तो डायमेंशंस ऑफ ए कितना बना आपके लिए बोलिए, एम जीरो एल और टी जीरो, टी ऊपर जाकर के कितना बनेगा, टी टू द पावर माइनस वन। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ ए, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस वन। फिर आप फाइंड करेंगे डायमेंशन, किसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, यहां से हम क्या कहेंगे, डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ एक्स। तो क्या बनेगा ये, डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ एक्स, बी का तो पता नहीं, टाइम की डायमेंशन कितनी है टी स्क्वायर और एक्स की डायमेंशन कितनी है एम जीरो एल टी जीरो। तो डायमेंशंस ऑफ बी कितना हो गया, एम जीरो एल टी जीरो और डिवाइडेड में कौन सा टी टू। तो क्या बना आपका बताइए, ये बन गया आपका डायमेंशन एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, ये हो गई किसकी, डायमेंशन ऑफ बी, एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, ठीक है? अब इसकी फाइंड करनी है डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ एक्स।
डायमेंशंस ऑफ सी टी स्क्वायर इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ एक्स, राइट। सी टी की डायमेंशन नहीं, सी टी स्क्वायर नहीं, सी टू दी पावर माइनस टू है ये, सी टी टू दी पावर माइनस टू, माइनस टू इक्वल्स डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है, एम एल एम जीरो एल टी जीरो, करेक्ट। तो यहां से डायमेंशन ऑफ सी कितना बना, एम एल टी जीरो एल जीरो डिवाइडेड बाय टी टू द पावर माइनस टू, कितना बचा आपके पास, एम जीरो एल टी टू द पावर माइनस टू, ये आ गई डायमेंशन ऑफ सी। अब उसके बाद एक पार्ट और बचा, प्लस टू आएगा, ओके ओके, राइट 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 राइट, प्लस टू, प्लस टू क्योंकि माइनस टू से ऊपर जाकर प्लस टू बन जाएगा। अब आपका बचा डी माइनस डी, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशंस पर, डी तो हम डी के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स, तो क्या क्या लिखा जाएगा, सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा, डायमेंशंस ऑफ डी इक्वल्स व्हाट, डायमेंशंस ऑफ एक्स, और डायमेंशन ऑफ एक्स कितना है, एम जीरो एल जी, तीनों चारों के आपके डायमेंशंस निकल गए, ए का डायमेंशंस फाइंड हुए, ए के डायमेंशंस फाइंड हुए एम जीरो एल टी माइनस वन, बी के डायमेंशंस फाइंड हुए एम जीरो एल टी माइनस टू, सी के डायमेंशन फाइनल हुए एम जीरो एल टी टू द पावर प्लस टू, और डी का डायमेंशन एम जीरो एल टी जीरो। क्लियर है इतनी बात सबको, ये